गाइस वेलकम टू आवर चैनल बैरा एंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में मेजर क्राफ्ट इंडिया के प्रोडक्ट मैनेजर मिस्टर अरुण। वेलकम संतोष भाई, थैंक यू सर। सो आज का वीडियो का इंट्रोडक्शन हम चाहते हैं कि अरुण सर ही दे। अरे सर आप क्या कर रहे हो, बहुत ही बड़ा अपडेट है हमारे फेवरेट रॉड इंदिरा के बारे में। सो आज के वीडियो में दादा हमारी वीडियो स्टार्ट करेंगे, इंट्रो देंगे। सो ओवर टू यू दादा। सो गाइस जैसे कि संतोष भाई ने बताया आज बहुत ही बड़ा एक अनाउंसमेंट करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। हालांकि सब आप जानते हो कि संतोष भाई ने हमारे इंदिरा 902 MA जो रॉड लॉन्च किया था हमने लास्ट जून को मेजर क्राफ्ट इंडिया की तरफ से, और हमारे दादा गुरुजी संतोष कुलोनकर ने जो रॉड डिजाइन किया था, तो वो रॉड पहले इन्होंने ही टेस्ट किया था, साथ में जाके हमने ट्रिप लॉन्च भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हुआ था, और फर्स्ट स्नीक पीक बैरा हंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग में ही हुआ था। आज भी आपको हम लोग ऐसा एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि ये रॉड इतना सक्सेसफुल हो चुका है आज के दिन में इंडिया में। हमने एक साल में 1600 से ज्यादा रॉड इंडिया में बेचा है, बहुत सारे लोगों ने यूज किया है, बहुत लोगों ने पसंद किया रॉड को। तो हमने इसके और भी कुछ मॉडल्स बनाए हैं आज के वीडियो, वो सब अपकमिंग लॉन्च जो होने वाला है वो सब रॉड्स के बारे में है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, प्राइस रेंज क्या रहेगा और टेंटेटिव लॉन्च डेट्स क्या है। आज ये सारी इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में आपको मिलेगा द बैरा हंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग चैनल में। तो दोस्तों देखना ना भूले एंड तक ये वीडियो, पूरा वीडियो बहुत मजा होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है आप लोगों को, और हम लोग प्री बुकिंग्स जल्दी चालू करेंगे, सब आपको ये चैनल में मिलेगा। और संतोष भाई हमारे साथ ये क्वेश्चन आंसर राउंड में हम लोग आज जुड़े रहेंगे आपके साथ। सी यू गाइस देयर। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा एंड बहुत ही काम का वीडियो आप लोगों के लिए जो भी इंदिरा के लवर्स है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। सो मिलते हैं, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट टू यू सर। ओके, जैसे ही आप सब लोग जानते हैं ये जो इंदिरा 902 MAH रॉड था 9 फीट का, तो संतोष भाई ने पहला टेस्ट किया रॉड को, बहुत साल मैंने इसको यूज किया है, बहुत क्रिटिकली उन्होंने रिव्यू किया रॉड को, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया, काफी सारे लोगों ने पसंद किया। तो ये रॉड जब लॉन्च किया था लास्ट जून को, तभी से हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिला, प्यार मिला पूरे ऑल ओवर इंडिया से, हमने बहुत प्यार हमको मिला, सपोर्ट मिला। सो जो पहला रॉड आपको आज दिखाने जा रहा हूं मैं वो है इंदिरा 7 फीट, इसको हमने नाम दिया है IND3M 702 MAH। सो आपने मुझे क्वेश्चन अभी किया था 3M क्या है भाई, 3M क्या है, अभी 3M क्या है ये जानने के लिए आपको ज्यादा देर इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बताते हैं और आपको उसका पूरा डिटेल्स हम देते हैं। तो 3M मतलब इंडिया में हम बोलते हैं तीन तरह का मछली होता है फ्रेशवाटर में, मरल मल्ली माशे। मरल मतलब हो गया आपका जो स्नेकेड फिशिंग करते हैं लोग, बहुत सारे लोग स्नेकेड फिशिंग करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो ये रॉड में आपको दिखेगा ये तीनों मच्छी का हमने आर्ट वर्क बनाया है, यहाँ पे आपको माशेर मरल और मल्ली, मल्ली मतलब पठान कैटफिश, माशेर मतलब सबको मालूम है माशेर क्या है, इंडिया का जो रिवर्स है इंडिया में जो डैम्स है उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर टाइगर ऑफ द रिवर्स, टाइगर्स ऑफ द रिवर बोलते हैं ना माशेर को, वो माशेर मल्ली और मरल ये तीनों मच्छी के नाम से ये रॉड का नाम दिया गया है। इंडिया में जो तीन मच्छी मिलता है सबसे फाइटर जो बोलते हैं प्रेडेटर, टॉप प्रेडेटर्स इंडियन वाटर्स में, वो तीन मच्छी है। तो ये रॉड उनके लिए बनाया है, ये स्पेशली रॉड बना है उसके लिए। तो 7 फीट का रॉड है बॉस, जिसे देख सकते हो यू चेक इट आउट, ये 7 फीट का रॉड है 2 पीस, बहुत ही कंफर्टेबल हमने EVA ग्रिप उसमें डाला है, स्प्लिट EVA ग्रिप दिया है, गुड फॉर स्पिनिंग ऑफ कोर्स, वेरी लाइट, एक्सट्रीमली लाइट, वेरी लाइट इट इज, या ये आपका 150 के नीचे, इसका 150 ग्राम का नीचे इसका वेट हमने रखा है। और इसमें आप जो देख सकते हैं फूजी के गाइड्स हैं ऑल द वे थ्रू फ्रॉम योर टिप टॉप टू द बेस गाइड, ऑल फूजी गाइड्स, फूजी रील सीट, जैसे इंदिरा सीरीज में आपको देखने को मिलता है ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक फिनिश और इंदिरा का लोगो गोल्डन में, वैसा उसको स्पेसिफिकेशन डाला है। ये स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूँ मैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्टिंग वेट 5 to 40 grams। तो जो भी हम स्नेकेड के लिए क्या यूज करते हैं, फ्रॉग्स यूज करते हैं, 20 ग्राम 22 ग्राम और स्पिनर यूज करते हैं।
मार्शल के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? मार्शल के स्पून यूज करते हैं, स्पिनर यूज करते हैं, टॉप वाटर प्लग्स यूज करते हैं, कभी कभी रबर शर्ट यूज करते हैं, एवरीथिंग इज लेस देन 40 ग्राम के ऊपर कुछ नहीं यूज करते. और मरल के मल्ली के लिए मतलब कैटफिश के लिए हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं? नॉर्मली यूज करते हैं फिश टैग यूज करते हैं, कभी आप स्पिनर यूज करते हो, कभी रबर शर्ट यूज करते हो, कभी क्रैंकबेट यूज करते हैं, सब आपका 40 ग्राम के नीचे. सो अरुण सर, आप जानना चाहते हैं कि इसमें 7 और 8 फीट अभी आप जो दिखा रहे हैं ये अपकमिंग जो रॉड्स है, ये 7 और 8 फीट में आपने क्यों लॉन्च किया, क्या रीजन इसके पीछे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संतोष भाई जो आपने पूछा है. हालांकि 9 फीट तो काफी पॉपुलर रहा है इंडिया में, लेकिन 9 फीट जो हमने बनाया मेनली वो सी बेस शोर बेस जो फिशिंग है या फिर बिग वाटर्स जो बड़े नदी है बड़े डैम से लॉन्ग कास्ट करने के लिए बहुत लंबा मारने के लिए जो फिशिंग सिचुएशन है उसको कवर करने के लिए हमने बनाया था. अभी जैसे जैसे एंगलर ने बहुत एंगलर्स ने ऑल ओवर इंडिया पसंद किया, सबका कोई लगा कि 7 फीट 8 फीट कब लेके आ रहे हो, तभी 7 फीट क्यों चाहिए लोगों को? क्योंकि जब भी जाते हैं हम रिवर्स में तो काफ़ी वेजिटेशन रहता है, पेड़ झाड़ रहता है, तो 9 फीट रॉड थोड़ा बड़ा हो जाता है वहाँ पे एक्सेस करने के लिए या फिर कास्ट करने की जगह कम मिलता है, तो 7 फीट और सो इजी टू कैरी. और 7 फीट रॉड फ्रेश वाटर के एप्लीकेशंस के लिए आपको हर जगह पे 50 मीटर 60 मीटर कास्ट मारना जरूरी होता नहीं है, कभी कभी 20-30, 25-30, 40 मीटर में आपको वो स्ट्राइक जोन मिल जाता है, तो उसके लिए 7 फीट और 2 पीस तो इजीली आप कैरी कर सकते हैं. सर, इट मींस कि 7 फीट जो लॉन्च किया है आपने या लॉन्च होने वाला है ये स्पेशली फ्रेश वाटर फिशिंग के लिए है या कैन बी यूज इट फॉर साल्ट वाटर एज वेल फॉर लाइट टैकल? बिकॉज़ आई रियली लाइक इट, रियली लाइक. थैंक यू सो मच दैट यू लाइक्ड इट. अभी आपका जो क्वेश्चन का आंसर है ये बहुत एक्चुअली इन डेप्थ क्वेश्चन आपने पूछा है कि आपने 3M नाम रखा है तो फ्रेश वाटर के लिए ही क्या यह रॉड है? एब्सोल्युटली नो, माय आंसर इज एब्सोल्युटली नो, बिकॉज इट्स अ 7 फीट रॉड. आज 7 फीट रॉड का एप्लीकेशन दो जगह पे होता है, फ्रेश वाटर में जहाँ पे आपका झाड़ी रहता है, जहाँ पे आप एक्सेस करने के लिए जगह मिलता है जैसे बताया आपको, तो वहाँ पे यूज करेंगे. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, जब भी शोर बेस्ड सी में फिशिंग कर रहे हो आप, लंबा कास्ट मारने की जरूरत नहीं है, लाइट गेम खेल रहे हो, मीडियम है गेम खेल रहे हो, 4-5 किलो रेंज में जो मच्छी पकड़ रहे हो आप, उसके लिए सॉल्ट वाटर के लिए परफेक्ट यूज है. अभी जब बोट में जाते हो आप, हर किसी के पास जिगिंग रॉड पॉपिंग जिगिंग रॉड का बजट रहता नहीं है, अलग अलग रॉड यूज करने का बजट रहता नहीं, तो वो 7 फीट रॉड है, इसमें हमने काफी सारा जिगिंग किया है, 30 ग्राम्स के ऊपर 40 ग्राम्स के ऊपर हमने बहुत सारा मच्छी पकड़ा है लास्ट एक साल में. अभी हमारे जो प्रो स्टाफ हैं दत्ता, वो जो प्री प्रोडक्शन सैंपल था वो यूज कर रहे हैं, आपने देखा भी उनके बहुत सारे कैचेस, वो मैंग्रोव जग पकड़ रहे हैं, उसके ऊपर स्नैपर पकड़ रहे हैं, ग्रुपर पकड़ रहे हैं. सो ये बोट बेस्ड जो स्पिनिंग है ये बोट में आप 7 फीट या 8 फीट के ऊपर यूज कर सकते नहीं है, रॉड थोड़ा हमको शॉर्ट चाहिए, मच्छी सामने आ जाता है, तो चाहिए कम से कम 7 फीट हमने कुछ, तो वो बोट बेस्ड लाइट गेम के लिए, बोट बेस्ड जिगिंग के लिए, लाइट यू कैन ट्राई, हैवी जिगिंग के लिए नहीं बोल रहे हैं हम लोग कि 100 ग्राम 200 ग्राम पकड़ो यूज करो, बट 30-40 ग्राम जो रेंज है 15-20-25-30 मतलब शोर के थोड़ा ही बाहर, जब हम जब जाते हैं जयगढ़ इस साइड में जाते हैं हम लोग, देवगढ़ साइड में जाते हैं, वहाँ पे हम लोग बहुत सारा फिशिंग करते हैं, साइड में करते हैं बोट की जिगिंग करते हैं, जिगपारा भी काफी पॉपुलर हो चुका है बैक वाटर्स में, तो वहाँ पे आपको बहुत एक इफेक्टिव रॉड एज इफेक्टिव रॉड जिगिंग के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि हमने ये टिप में उतना सेंसिटिविटी डाला है कि जिग्स में वो एक्शन आए स्लो फॉल जिग्स में या फास्ट जिग में, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे ये फर्स्ट एक्शन रॉड है तो बेंड सिर्फ टिप में ज्यादा आएगा आपको, ये मिडिल और बैक सेक्शन में जो पावर है उसमें कोई भी मतलब एक 5-10 किलो का मच्छी है तो आराम से अपन कर सकते हैं. हमारे फील्ड टेस्टर्स उसमें ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, प्री प्रोडक्शन सैंपल अभी ये प्रोडक्शन सैंपल आ गया है, तो और भी सारे लोगों को हम लोग देंगे यूज करने के लिए, आपको बहुत सारा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा कि यूज कैसे होता है सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर दोनों में. तो इंदिरा में कोई भी रॉड हमने स्पेसिफिकली फ्रेश वाटर के लिए या सॉल्ट वाटर के लिए बनाया नहीं है, हमने वर्सेटाइल रखा है सब कुछ, क्योंकि फ्रेश वाटर जिसको चाहिए जानेगा, जिसको सॉल्ट वाटर चाहिए जा सकता है, जिसको दोनों जगह जाना है, दैट शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट इट, वर्सेटाइल रॉड बनाया है. और सो दादा, अभी फाइनली हमने इसके बारे में काफी बातें कर ली, अभी हमको फाइनली सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताइए कि इसका प्राइस आपने कितना रखा है या कितने में लॉन्च होने वाला है ये रॉड? मेरा बस चल सो प्राइस में 10 रुपए कर दूं ऐसा नहीं है, फ्री कर दो सर, थैंक यू, बट वी कांट डू दैट, यू नो सर्वाइव करना है सबको. सो एक्चुअली बहुत सिचुएशन बहुत टफ है, ओके, तो सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग ने जो लॉन्च किया था इंदिरा 9 फीट 3885 में लॉन्च किया था हमने, 3850 में लॉन्च किया था, उसका प्राइस 100 रुपए बढ़ाया हमने, तो अभी वो रॉड 3995 में जा रहा है, तो इसका हम लोग 7 फीट का लॉन्च प्राइस अभी जो होगा 3695 होगा,
3,695 रुपीस ओनली. और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये रॉड इंडिया में कमर्शियल शिपमेंट इसका आ रहा है अगस्त फर्स्ट वीक. और हम लोग इसका प्री बुकिंग चालू करेंगे जुलाई फर्स्ट से इसका प्री बुकिंग चालू हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी आ रहा है, क्योंकि यू नो बहुत सारे कैपेसिटी लोड फुल ज्यादा है फैक्ट्री में अभी, तो लिमिटेड क्वांटिटी आ रहा है. तो नेक्स्ट वीक से प्री बुकिंग का स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट जुलाई को. सो अरुण सर, अभी हम देखना चाहते हैं हमारा 8 फीट में जो रॉड आप लॉन्च करने वाले हैं वो दिखाया जाएगा फर्स्ट लुक उसका. ऑब्वियसली आई वाज ईगरली वेटिंग फॉर दिस रॉड. तो दोस्तों ये इंद्रा 8 फीट है, आपको अभी हमने 7 फीट दिखाया, अभी ये 8 फीट इंद्रा आ रहा है इंडिया में. इसका भी लॉन्च डेट होगा अगस्त फर्स्ट वीक को लॉन्च करेंगे हम लोग. और ये फर्स्ट लुक जैसे कि हमेशा इंद्रा सीरीज के साथ होता है बैरोमीटर द आर्ट ऑफ फिशिंग में, आज के दिन में ये रॉड आपको मैं दिखाता हूँ. अभी किसी से तो रहा नहीं जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा अभी. सो दोस्तों आपको बता दूं मैं, जब से ये हमारे जनाब टेस्ट करने चालू किया था 9 फीट, तब से इनका एक ही कंप्लेंट था, अरे यार 9 फीट तो बहुत अच्छा है, 8 फीट कब लेके आ रहे हो, मुझे 8 फीट चाहिए, पागल कर दिया था उन्होंने. तो चलो सर आपका ख्वाहिश पूरा करते हैं हम लोग. ये इंद्रा 8 फीट आ गया है आपके हाथ में, और अगले लंबा टाइम तक आप इसको यूज करते रहोगे. आज ये रॉड आपके साथ आपके घर जाएगा. गाइस मैं आपको बता दूं, ये रॉड अभी मेरे लिए मिल गया है जो कि मेरे लिए ऑलराउंडर रॉड हो जाएगा, क्योंकि रिसेंटली मैं जब 1 साल से यूज कर रहा था इंद्रा 9 फीट, वो मैं मोस्टली प्रेडेटर्स के लिए यूज करता था, वो भी मॉन्स्टर्स के लिए. एंड अभी मेरे पास ऐसा रॉड आ गया है जो कि मैं छोटे से लेके बड़ा सब गेम खेल सकता हूँ इसके ऊपर. आई एम रियली हैप्पी विद दिस रॉड, मजा आने वाला गाइस. तो सर बताएं जरा इसके बारे में डिटेल, इसका स्पेसिफिकेशन बताएं. तो ये जो इंद्रा 8 फीट है, इसका 8 फीट 2 पीस है रॉड, आपको पहले से ही मालूम है. इसका कास्टिंग वेट है 8 to 60 grams, हालांकि इंद्रा 9 फीट में 10 to 70 दिया था कास्टिंग वेट, इसमें 8 to 60 grams है. और इसमें आपका पी रेटिंग लाइन का आएगा 1.5 to 3, सेम एज इंद्रा 9 फीट. इसमें सारे MNOG के हैवी ड्यूटी गाइड्स लगाए गए हैं, फूजी के रील सीट्स हैं इधर, अगेन स्प्लिट ग्रिप है इंद्रा 9 फीट में आपका था, ये फुल ग्रिप, ये दिस इज मोर लाइक गो टू स्पिनिंग रॉड फॉर एवरी ओकेजन. जिधर भी जाते हो आप, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, नदी हो, रिवर हो, डैम हो, बोट हो, किधर भी यूज कर सकते हैं, फुल्ली वर्सेटाइल रॉड है दोस्तों. और ये रॉड का सबसे बड़ा खासियत है कि ये रॉड में जो बैकबोन है वो अनबिलीवेबल है. टिप जो देखेंगे आप, टिप थोड़ा अलग दिख रहा है सर, yes. इसके बारे में बताइए क्या सीन है. ये जो टिप है इसको हमने 3 different वे से ट्यूनिंग किया है. एक तो नॉर्मल स्पिनिंग हो गया, शोर बेस्ड जिगिंग हो गया, बोट बेस्ड जिगिंग. ये तीनों जो सॉल्ट वाटर एस्पेक्ट हैं इसको दिमाग में रखते हुए इसके हिसाब से टिप को हम ट्यून किए हैं. जो 7 फीट में आपको दिखाया थोड़ा लाइटर टिप है उसका, ठीक है, थोड़ा उसमें लाइटर ल्यूर यूज करने के लिए. ये इंद्रा 9 फीट जैसा स्टीफ नहीं है, या फिर इंद्रा 7 फीट जैसा थोड़ा लाइट गेम के लिए बना नहीं है. ये आपका वो सारे जो काम आप करना चाहते हो, ड्रीम रॉड, ऑलराउंडर रॉड, एक ही रॉड आपको इंद्रा सीरीज में अगर चूज करना है जो कि वर्सेटाइल रॉड होगा, पावरफुल रॉड होगा बहुत, लेकिन उतना लाइट भी होगा. ये रॉड का वेट आएगा 185 grams, लेस देन 200 grams. तो ये एक इम्पोर्टेंट हमने इम्प्रूवमेंट यहाँ पे किया है. ऑफ कोर्स ब्लैंक इज 24 टन कार्बन, सेम एज इंद्रा 9 फीट और 7 फीट, लेकिन इसमें टिप सेक्शन में सेंसिटिविटी हालांकि काफी है, लेकिन यहाँ से मिड सेक्शन का जो अपर पार्ट है और मिड सेक्शन का जो लोअर पार्ट है, ऑब्वियसली जो लोअर सेक्शन है, इसे बैकबोन काफी ज्यादा दिया है हमने, ताकि मॉन्स्टर फिश हुक होने पे भी आपका वो लेवरेज बना रहे, आपका वो कॉन्फिडेंस बना रहे, आपका फुल कंट्रोल रहे फिश के ऊपर. होता है आपको नेविगेट करना होता है रॉक्स में से या फिर झाड़ी में से, कि जब तो आपको वो कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होना चाहिए कि मेरे पास भाई ये थोड़ा लाइट रॉड यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, डर नहीं लगे कि भाई मजा आ जाए फिशिंग करने. गाइड के बारे में थोड़ा डिटेल दीजिए सर, क्या अलग अलग गाइड्स हैं कि कैसे? नहीं सर, सेम गाइड्स हैं, फूजी 9 फीट इंद्रा में जो हमने गाइड डाला था, ऑल फूजी गाइड्स, फूजी MNOG सीरीज गाइड है, हेवी ड्यूटी गाइड्स हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑल 3 लेगेड गाइड्स हैं इंद्रा 8 फीट में. आपके पूरा फुल बिग गेम, मीडियम हेवी गेम, लाइट गेम सब कर सकते हो उसमें. इसमें आपका फुल्ली कैपेबल रॉड है ये रॉड. और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप
पूछने ही वाले हो, मुझे मालूम है कि भाई प्राइस क्या है। आप तो बोलते हो ये है वो है, आई डोंट नो। ये जो क्वेश्चन है ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है, तो आज हम वही डिक्लेयर करने जा रहे हैं इसका फाइनल प्राइस 3895। इंद्र 9 फीट का प्राइस क्या है? 3995। इसको हम लोग आपने सस्ता करके बहुत मेहरबानी की सर हमारे ऊपर। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं हैप्पी कि मेजर क्राफ्ट का कोई प्रोडक्ट ये रेंज में लॉन्च हुआ इंडिया में। इट्स रियली बिग थैंक्स टू मेजर क्राफ्ट कि इस इम्पोर्टेंट थिंग इज हु डिजाइन दैट रॉड। संतोष कुलवंकर गुरु जी ने डिजाइन किया, आपको मालूम है ना उनका ओपिनियन क्या है? भाई रॉड ऐसा बनना चाहिए कि ताबड़ तोड़ो जबरदस्त हो, लेकिन प्राइस भी मुझे इंडियन एंगल्स भाइयों के लिए वो रेंज में लॉन्च करो। आई डोंट केयर हाउ मच प्रॉफिट यू अर्न, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो प्राइस रेंज ऐसा होना चाहिए। उनको भी मालूम है, तुमको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लास्ट डेढ़ साल में कितना ऊपर गया है। Correct. अभी बाकी ब्रांड्स में 10% से 8% से 10% का प्राइस हाइक हुआ है, उसके बावजूद हमारा ये रॉड इंडिया में आ रहा है 3895 में। हमने एडजस्ट किया है अपने इंटरनल एडजस्टमेंट के हिसाब से, हमने वो किया है। इट इज इम्पॉसिबल टू लॉन्च दिस रॉड एट दिस प्राइस, बट हमने फिर से वही अपना फिलोसॉफी है, बेस्ट रॉड एट बेस्ट प्राइस जो इंडिया में मोस्ट ऑफ द एंगलर्स इसको यूज कर सके, इंडिया के ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी रॉड। So it's a very good initiative by team H2 team and Majorcraft team. So big thanks to you guys. नहीं सर, thanks to you also. You have been also a very important part of this development. जैसे हमने इंद्रा सीरीज चालू किया है 9 फीट से लेके अभी 8 फीट आ रहा है, तो जैसे ही हमारा कमर्शियल शिपमेंट लैंड हो रहा है उसके पहले ये हमारा फील्ड टेस्टर जो है, हमारे जो प्रो स्टाफ हैं उनके लिए रॉड सभी आया है जो हमको दिखा रहे हैं। तो ये रॉड आपको मैं आज H2 से ये रॉड आपको दे रहा हूँ, जो आप अपने फॉलोअर्स को दिखाएं रॉड्स कैसे उसको फिशिंग के पे यूज कर रहे हैं, कैसे उसका रिव्यू आ रहा है, ऑनेस्टली आपको जो फील हो रहा है वो व्यूअर्स को मालूम होना चाहिए। सब चीज मैं बताऊं, मैजोरक्राफ्ट इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होके ये सही लगता नहीं है मुझे जो एक इम्पार्शियल जजमेंट दे सके, ऐसा हमको लगा है कि लास्ट फ्यू ईयर्स हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो आप यूज करते हो, लोगों को बोलते हो, शायद लोगों को पसंद आया है कि आपको लोग फॉलो करते हैं, आपका बाप जो है आपके सामने लोगों को पहुंचता है, लोग उसको एक बिलीव करते हैं कि भाई ये रॉड ये बंदा यूज कर रहा है तो इसका जो रिव्यू है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस हिसाब से आप जो लोगों को बोलते हो वो बात पहुंचता है, और हमको लगा है कि यू द बेस्ट पर्सन टू यूज दिस रॉड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंद्रा 8 फीट अभी आप यूज करोगे पहले इंडिया में, जो लोग दिखेंगे अगले 1.5-2 महीने में रॉड लॉन्च होने के पहले कि आपके हाथ में ये रॉड क्या जादू लेके आता है, क्योंकि आपका ये ड्रीम रॉड था भाई 8 फीट लेके आओ, मेरे 8 फीट लेके आओ, लेके आया हूं, कंप्लीट हो गया। यू विल टेल यू गाइस कि इंद्रा का जो सीरीज है पूरे ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हो चुके हैं, 8 फीट आ गया, 7 फीट आ गया, 9 फीट भी हो गया अपना, इवन इंद्रा प्रो भी आई थिंक लॉन्च हो गया, आपका लॉन्च होने वाला है जल्दी। सो हम चाहते हैं कि आप एक फर्स्ट लुक हमको एटलीस्ट इंद्रा प्रो का भी दिखा दें। सो ओके, चलो पांचों रॉड अपने पूरे हो जाएंगे, सो इट वाज अ ड्रीम फॉर मी कि एटलीस्ट कंप्लीट सेट ऑफ रॉड्स अवेलेबल होना चाहिए इंडिया में। सर इसके लिए पैसे लगेंगे मुझे इतना इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, इन्फॉर्मेशन इज मनी। ओके, हम चाहते हैं कि इतना आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, रियली थैंकफुल टू यू गाइस, तो आपको इंद्रा प्रो का भी एक फर्स्ट लुक दे देते हैं हम आपको। ये है इंद्रा प्रो 8.6, और दोस्तों इसके लिए थोड़ा और माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हो रहा इसके लिए थोड़ा सा लेट होगा। ये लॉन्च होगा 1st सितंबर, सितंबर 1st वीक ये लॉन्च करेंगे हम लोग इंद्रा प्रो। 7-8 फीट अगस्त में फर्स्ट वीक में आ रहा है। यस, 7-8 फीट अगस्त फर्स्ट में आ जाएगा, प्री बुकिंग नेक्स्ट वीक से चालू हो रहा है, हम लोग वो कर देंगे। ये अपना इंद्रा प्रो है, हालांकि देख सकते हैं 2 पार्ट में इसका बैक बना हुआ है, और ये इंद्रा प्रो का जो रॉड है 8.6 फीट का है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो मैं नहीं बताऊंगा, संतोष भाई बताएंगे उनको क्या लगा फर्स्ट लुक। ये फर्स्ट लुक है इंद्रा प्रो का गाइस, सो दिस इज अ बिग रिवीलेशन टुडे। दिस इज ब्यूटी, आप देख सकते हैं, बट आई एम श्योर कि इसका पैसा भी बहुत लेगा मेरे को, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, किस तरह का रॉड है। इवन यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे भी इन्होंने ब्रांडिंग किया है, डिटेल्स दिया है, आई एम रियली इंप्रेस विद दिस रॉड। इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या लगा? ग्रिप लगा ना डिफरेंस? इसका जो ग्रिप है इसका ये थोड़ा अलग है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का दिख रहा है, क्वालिटी वाइज तो सभी अच्छे है, बट इसका थोड़ा डिफरेंस है। सर इसमें आपका जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यही है, अंदर ईवी है, स्प्लिट ग्रिप नहीं है, फुल ग्रिप है इसमें, क्योंकि ये हेवी रॉड है, ये आपका कोई लाइट गेम वाला रॉड नहीं है, ये आपका एक्सट्रीम रॉड जो है, एक्सट्रीम फिशिंग जो है, आप एक्सपीडिशन में जा रहे हो, बिग गेम मारने के लिए जा रहे हो, स्पेसिमेन फिश पकड़ने के लिए जा रहे हो, वो रॉड ये लोगों के लिए है जो इंद्रा 9 फीट 7 फीट 8 फीट ऑलरेडी यूज करेंगे। उनका जो नेक्स्ट अपग्रेड है
दिस इज दिस रॉड, दिस इज फॉर अपग्रेड, दिस इज फॉर अपग्रेड। हालांकि पहला डिफरेंस जो आपने देखा यहाँ पे एक टोकन सिम्बलम एम्बलेम हमने लगाया है, सिम्बॉल बोल सकते हैं उसको, एम्बलेम बोल सकते हैं जो हमने बनाया ब्रांडिंग। दूसरा है यहाँ पे 1K, यहाँ पे ओवन रैपिंग है, उधर 1K कार्बन का रैपिंग है। तीसरा चीज यहाँ पे एक मेटल का ग्रिप डाला हुआ है, यहाँ पे रिल सीट के बाद भी एक लॉक नट है क्योंकि वो एकदम लूज फ्री, नो लूज यहाँ पे आएगा। आप जहाँ पे रिल सीट में रील वहाँ पे डालेंगे तो कभी रिल सीट पे लूजनेस आएगा नहीं, पीछे आपका डबल प्रोटेक्शन रहेगा, वो फूजी का है, फूजी रिल सीट है हेवी वाला। उसके बाद यहाँ पे ये सेक्शन में आपको दिखेगा 1K कार्बन रैपिंग है, बिल्कुल एंटी ट्विस्टिंग बनाने के लिए इसको, और इसका बैक सेक्शन में बहुत ज़्यादा बैकबोन दिया है। और दूसरा क्या आपको फर्क नजर आ रहा है फर्स्ट लुक में, आपको मैं पूछूंगा फिर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसका। इसके गाइड में थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। एग्जैक्टली राइट सर, यू हैव अ वेरी एक्सपीरियंस्ड आई, ऑफ कोर्स इतने साल से फिशिंग कर रहे हो और हमारे साथ भी बहुत लंबे टाइम से आप जुड़े हो, आपको मालूम है ये जो रॉड है सबसे इंपॉर्टेंट इंदिरा गाइड सीरीज में अपग्रेड है। इसमें के सीरीज एंटी टैंगल फजलाइट गाइड्स लगाए हैं हमने, एवरी गाइड इज ट्रिपल फुटेड गाइड्स, यहाँ से लेके टॉप तक टिप टॉप तक के सीरीज एंटी टैंगल गाइड्स हैं। उसमें क्या होता है आपका गाइड में कभी भी अपना जो लाइन होता है वो रैप नहीं होता है, टैंगल नहीं होता, अटकता नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स उसके लिए हमको थोड़ा प्राइस रेंज में ऊपर जाना पड़ा है अभी। तो अभी सर क्वेश्चन आता ही है कितना आपने प्राइस रेंज इसका रखा है, एंड वी हम एग्री करते हैं कि हो सकता है इसका ज्यादा प्राइस रेंज हो सकता है बिकॉज ये मॉन्स्टर के लिए रॉड है। तो सर फाइनली रिवील करो इसका अगेन सर क्या प्राइस में लॉन्च। अगेन सर इंदिरा प्रो का अगर आप देखेंगे पहले ही यहाँ पे दिखता है इंदिरा प्रो, प्रो मींस प्रोफेशनल। तो कोई भी मोबाइल से लेके कोई भी आप डिवाइस लेके जाएंगे तो प्रो मॉडल का प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि उसमें फीचर्स से देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ता है सर, वी हैव टू प्राइस। अभी मेरा तो प्राइस रेंज थोड़ा ऊपर करने का दिली इच्छा था लेकिन हमारे गुरुजी ने संतोष दा ने वो करने नहीं दिया, हमको अलाउ करने किया ही नहीं उन्होंने, बोला कि मुझे 6000 के नीचे ये रॉड लॉन्च करना है एट एनी कॉस्ट। तो हमने वही किया ये 5995 में, 5995 रुपीज, दिस इज इंदिरा प्रो, ये लॉन्च होने जा रहा है सितंबर फर्स्ट वीक को सर। सो एंगलर्स जो हमारे प्रो एंगलर्स है, जो एक्सपीरियंस एंगलर है, जो अपग्रेड चाहते हैं इंदिरा सीरीज के रॉड्स का, सो दिस इज द परफेक्ट रॉड फॉर यू, आप लोग इसके लिए जा सकते हो। सर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं देना भूल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, इसका कास्टिंग वेट एंड लाइन रेटिंग। हां इसका स्पेसिफिकेशन हाँ, देखते हैं सर, 8.6 का लेंथ है, 2 पीस रॉड है सर। कास्टिंग वेट आपको क्या दिख रहा है? 20 to 80 ग्राम और पी रेटिंग 1.5 to 3। सो होता क्या है, 20 टू 80 ग्राम्स इज योर वर्सेटाइल ऑल काइंड्स ऑफ बिग गेम फिशिंग रॉड, 80 ग्राम्स इज टॉप आउट, तो 20 ग्राम इज इसका एंट्री लेवल। तो आपका जो भी सॉफ्ट प्लास्टिक हो गया, जो भी लाइट पॉपिंग हो गया, लाइट ट्रॉलिंग हो गया, ऑफ कोर्स इट इज आपका लॉन्ग डिस्टेंस कास्टिंग भी इसमें कवर होगा, आपका हेवी स्पिनिंग भी, आप महाशय के लिए जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट के लिए जा रहे हो, नॉर्थ में जा रहे हो या फिर साउथ में महाशय के लिए जा रहे हो, किधर भी दिस विल बी अ गो टू रॉड। इसमें काफी लंबा कास्ट कर सकते हैं आप, गाइड सिस्टम इसमें, अर्ली चोकिंग पॉइंट है इसमें अगर आप देखेंगे तो। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा गाइडिंग सिस्टम के बारे में, स्पेसिंग के बारे में बता दूं, ये गाइड जो देखेंगे दूसरा गाइड आपको लगेगा कि थोड़ा सा छोटा डाला है, ऐसा कुछ नहीं सर, फुजी की आर कंसेप्ट है। तो यहाँ से रील से लाइन निकलेगा, यहाँ से लाइन चोक होगा और देन स्ट्रेट रनिंग गाइड से निकलेगा। तो ये रनिंग गाइड से जब भी लाइन निकलेगा, इसमें क्या बनाया हमने, एक्यूरेट कास्टिंग, हालांकि रॉड का नाम प्रो है तो प्रो वाला फीचर्स भी होता है एक्यूरेसी के लिए। अगर नॉर्मल हम लोग गाइड रिडक्शन करते हैं 30 के बाद 20 फिर 16 फिर 12 फिर 10, उसमें कास्ट तो होता है लेकिन कास्ट में एक्यूरेसी थोड़ा कम आता है। जो लोग प्रो लेवल के एंगलर्स हैं, जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं इंटरमीडिएट से प्रो लेवल तक, उनको क्या एक्यूरेसी चाहिए होता है कि मैं देखूं यहाँ पे एक बकेट है वहाँ पे कास्ट करने लायक रॉड है कि नहीं। सर उसके लिए रॉड है, देखिए आप, ये आपका रनिंग गाइड्स हो गए, यहाँ से आपका चोकिंग सेकेंड पॉइंट, ये चोकिंग, ये बेस गाइड है, ये फर्स्ट चोकिंग पॉइंट सेकेंड चोकिंग से स्ट्रेट ऑल द वे टॉप पे आपका रिड्यूस होता है लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन पे लाइन निकलता है, एक जूम करके आवाज आएगा एकदम सीधा, जहां पे आप देखेंगे जहां पे आपका टिप फिनिश होगा जो डायरेक्शन में, वहीं जाके लूर गिरेगा आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने वो कोशिश किया है, बहुत टाइम लगा है हमको ये रॉड डेवलप करने के लिए क्योंकि
ये नॉर्मल रॉड है नहीं, प्रो लेवल रॉड है. तो हमने इसके काफी सारे सैंपल्स ट्राई किए, 5-6 डिफरेंट सैंपल्स वी चेंज्ड एंड देन वी हैव अराइव्ड. अभी हमने जो बनाया है फाइनल, लास्ट डेढ़ साल में ये फाइनल प्रोडक्ट है सर. और ये इसका जो कलर है ये भी डिफरेंट है नॉर्मल इंद्र से. डिफरेंट है नॉर्मल इंद्र में क्या फिनिश आता है सर आपका? ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आता है. इसमें ग्लॉसी लाइट ब्लू, नॉट लाइट ब्लू, एक डार्क ब्लू ग्लॉस फिनिश दिया है हमने. इसके लिए भी हमने काफी आरएनडी किया कि इंद्रा प्रो के साथ कौन सा कलर जाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर वाटर्स इन गुड कंडीशन दे लुक लाइक दिस डीप ब्लू, डीप ब्लू. सो हम लोग चाहते हैं कि आप ये रॉड लेके डीप सी भी जाएं, डीप डैम्स में जाएं जहां पे बड़ा मच्छी मिले आपको, स्पेसिमेन साइज आप पकड़े, और हम लोगों का तभी मेहनत सफल होगा, तभी हमको लगेगा कि हमने प्रो लेवल्स एंग्लर्स के लिए एक अच्छा कुछ प्रोडक्ट लेके आए हैं. और ये प्राइस पॉइंट में सर ये अनबीटेबल प्राइस पॉइंट है. हमको बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत झगड़ा करना पड़ा अपने खुद ही कंपनी से कि सर प्लीज अलाउ अस टू डू दिस. ऑब्वियसली फूजी का भी एक फूजी का भी बड़ा कंपनी है, वो अलाउ करती नहीं है कोई भी प्राइस रेंज में कुछ भी गाइड डाल के लॉन्च करने के लिए. यहाँ पे आपका फर्स्ट लाइट का स्टिकर देखेंगे, यहाँ पे फूजी फर्स्ट लाइट का स्टिकर है, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है टैंगल फ्री. तो ये गाइड के साथ, ये टैग के साथ ये रॉड आएगा. ये सर हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं सेप्टेम्बर. सो थैंक यू सो मच संतोष भाई, इसका फर्स्ट लुक अभी 1200 चैनल पे आ गया है. अभी हम लोग 7 feet और 8 feet का बुकिंग चालू करेंगे. साथ में इसका बुकिंग का क्या सिस्टम है सर? प्री बुकिंग अगर किसी को करना है तो कैसे कर सकते हैं? सर प्री बुकिंग का लिंक जो है आपके वीडियो के साथ, जब भी आप वीडियो ये नीचे ये वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा सर, वहाँ पे आपको सर आपको डिटेल्स करना है फिलअप. इट्स अ गूगल फॉर्म और व्हाट? इट्स अ गूगल फॉर्म, इट इज अ गूगल फॉर्म. और जैसे कि आप जानते हैं अभी अगर सपोज कोई गूगल फॉर्म यूज नहीं करता है, वो व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं, सो व्हाट इज द अल्टरनेट वे? सर अल्टरनेट वे होगा हमको व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके उनका डिटेल्स जो है, लोकेशन, एड्रेस, फोन नंबर, नेम और पेमेंट. हाउ मच इज द विल बी द प्री बुकिंग चार्जेस? प्री बुकिंग अमाउंट विल बी फुल बिकॉज इट इज वेरी हार्ड. आपको मालूम होगा शायद, आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है कि कोई भी पार्ट पेमेंट आता है तो बाद में उसको अकाउंट में टैली करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कौन सा पेमेंट किसका आया है, रेफरेंस नंबर क्या है. आइदर यू पे इन फुल और आइदर यू डोंट पे, वी हैव नो इश्यूज. आपको पहला जो पेमेंट करेंगे उनका कन्फर्म बुकिंग होगा, जो बाद में जिनको पेमेंट नहीं करना है उनका ही बुकिंग रहेगा, लेकिन प्रायोरिटी उनको बाद में आएगा. ऑब्वियसली जैसे पेमेंट फुल आएगा तो फर्स्ट जो बैच आएगा उनको फर्स्ट बैच में उनको रॉड मिल जाएगा. जो पेमेंट नहीं करना चाहते वो डोंट हैव एनी इश्यूज, हमारा स्टॉक जो बाद में आएगा पहला उनको प्रायोरिटी कस्टमर को सर्व करने के बाद आपको वो रॉड अवेलेबल हो जाएगा. फर्स्ट कम फर्स्ट सर बेसिस टू बी फॉर पेमेंट्स व्हिच आर ऑलरेडी रियलाइज्ड. सर ये इशू एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ. दो और रॉड्स हैं इंद्रा सीरीज में जो इंद्रा प्रो के साथ सितंबर में आएंगे आप लोगों के लिए, इंद्रा कार्प एंड इंद्रा सर्फ. सर ये दोनों 12 फीट का रॉड है, 3 पीस का रॉड है. जैसे कि आपने बताया कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टोटल कवर करेंगे. ये फर्स्ट लुक दे रहा हूँ मैं आपको, ये थोड़ा डिफरेंट दिखेगा आपको. आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू. और ऐसे ही 1200 द आर्ट ऑफ चैनल इसको सपोर्ट करते रहे, लेकर को सपोर्ट करते रहे, और आप लोगों ने हमको बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया है. थैंक यू टू संतोष भाई, आप भी अपना कीमती वक्त निकाल के इधर आए हमारे पास, ये वीडियो बनाए, आपके व्यूअर्स को पसंद आया. तो मेरे तरफ से सबको फिर से बोलता हूँ, सब्सक्राइब, हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन एंड हिट द रिंग आइकन, दैट सॉरी द बेल आइकन, सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड. चलो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, सी यू सून.